सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब लोग। एक और नई रेसिपी के साथ आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। सो आज हम आपके लिए लेके आए हैं होममेड क्रिसमस स्पेशल केक, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है और बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी है। सो आज हम आपको बनाना सिखाएंगे ये हैप्पी हैप्पी बिस्किट से इतना टेस्टी और लाजवाब केक क्रिसमस के लिए, वो भी आराम से आप बना सकते हैं बिना कोई मेहनत के, बस कुछ ही देर में अपने बच्चों के लिए इतना टेस्टी और यमी केक। सो आप ये केक बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सो आज हम हैप्पी हैप्पी बिस्किट का केक बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 5 रुपीज़ वाले 4 पैकेट्स ले लिए हैप्पी हैप्पी बिस्किट के। आप चाहें तो कोई भी बिस्किट ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बिस्किट तोड़कर एक जार में डाल दूँगी। सो इसी तरह आपको 4 पैकेट के बिस्किट तोड़कर जार में डाल देने हैं, एंड हम इनको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। सो आपको इस तरीके से उसका पाउडर बना लेना है। आप देख सकते हैं कितना अच्छी तरीके से हमने इसका पाउडर बना लिया है सारे बिस्किट्स का। अब हम उनको एक बाउल में निकाल लेंगे, या फिर आप कोई भी बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आप उनको निकाल लीजिए। जब तक ये बाउल में है तब तक हम अपने एक कुकर को फ्री हीट कर लेंगे, जिससे कि हमारा केक अच्छा बने। तो मैंने यहाँ पर एक कुकर ले लिया है, उसको गैस पर रख कर उसके अंदर मैंने यहाँ पर सॉल्ट डाल दिया है। आप करीबन आधी कटोरी सॉल्ट डाल के इस तरीके से फैला दीजिए और उसको बंद कर दीजिए, उसके ऊपर की जो पॉइंट है उसको निकाल कर। सो 5 से 10 मिनट के लिए आप उसको मीडियम फ्लेम पर फ्री हीट होने दीजिए, जब तक हम हमारे केक का बैटर बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बिस्किट के पाउडर में पाउडर शुगर डाल दिया है 4 से 5 चम्मच। आप मीठा अगर कम खाते हैं तो आप कम भी कर सकते हैं। और अब हम अच्छी तरीके से उसको मिक्स कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर 4 से 5 स्पून पाउडर शुगर डाली है 4 बिस्किट के पैकेट में। फिर हम इसमें डालेंगे मिल्क। सो मैंने यहाँ पर ठंडा मिल्क जो होता है, कूल मिल्क, उसका यूज़ किया है। तो अब हम धीरे धीरे करके इसमें मिल्क डालेंगे और सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। सो आप देख सकते हैं मैं धीरे धीरे करके ही मिल्क डाल रही हूँ, एक संग पूरा नहीं डालना है आपको। हमको ज़्यादा पतला बैटर नहीं बनाना है, बिल्कुल थिक हो, ज़्यादा ना पतला हो ना ज़्यादा गाढ़ा हो, बिल्कुल ऐसा बैटर बनाएंगे हम। सो आप देख सकते हैं इस तरीके की कंसिस्टेंसी आ जाने के बाद, जैसे ही मैं उसको ऊपर से डाल रही हूँ नीचे, तो वो अच्छे से नीचे तक। सो इस तरह की कंसिस्टेंसी आ जाने के बाद अब हम इसमें इनो डालेंगे। तो मैंने वो जो छोटा वाला पैकेट आता है उसका आधा इनो डाला है, और उसको एक्टिव करने के लिए 1 से 2 चम्मच मिल्क डाल दिया है। और अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आपको ज़्यादा मिक्स नहीं करना है इसको इनो डालने के बाद, जस्ट आपको थोड़ा सा ही मिक्स करना है हल्के हाथ से, और फिर हम जल्दी से केक टिन में डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही केक टिन को अच्छी तरीके से ग्रीस करके रखा था, आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसमें ऑयल डाला है थोड़ा सा, जो कि रिफाइंड ऑयल है। फिर मैंने यहाँ पर बटर पेपर लगा के उस पर भी ऑयल लगा दिया है, और अब हम केक टिन में सारा बैटर डाल देंगे। याद रखिएगा आपको केक टिन को पहले से ही ग्रीस करके रख लेना है, जिससे कि जैसे ही आप इनो डालें बैटर में, हाल हम उसको केक टिन में डाल सके जल्दी से मिक्स करके। फिर हम इस तरीके से डैब डैब कर लेंगे उसको, और फिर हमने जो कुकर फ्री हीट किया है उसके नीचे एक छन्नी रखेंगे, या फिर आप कोई भी कटोरी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके ऊपर हम अपना केक का केक टिन रख देंगे। और अब हम उसको बंद कर देंगे, कम से कम 40 से 35 मिनट तक हम उसको मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। फिर हम उसको खोल कर देखेंगे, और अब हम उसमें एक नाइफ डाल के देखेंगे। आप देख सकते हैं हमारी नाइफ बिल्कुल क्लियर बाहर आई है, तो हमारा केक अब अच्छी तरीके से पक चुका है। अब हम उसको बाहर निकाल कर एक प्लेट पर टर्न कर लेंगे। सो दैट्स इट, हमारा केक का जो बेस है वो अच्छी तरीके से रेडी है। अब हम ऊपर से उसके बटर पेपर निकाल लेंगे। सो अब हम उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर में। फिर हम उसको जैसा मन चाहे वैसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जेम्स और चॉकलेट बॉल से उसको डेकोरेट कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी चॉकलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं इस पर। सो दैट्स इट, हमारा क्रिसमस स्पेशल केक बनके अब रेडी है बच्चों के लिए। सो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और अपने बच्चों के लिए क्रिसमस स्पेशल केक ज़रूर बनाएगा, उनको बहुत पसंद आएगा ये स्पेशल सा केक। सो आप देख सकते हैं कितने आसानी से कट गया है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनाया है, इतना ज़्यादा लजीज। आप इसको खाते रह जाएंगे और आपके बच्चे भी आपके फ़ैन हो जाएंगे इस केक को खाकर। सो दैट्स इट, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड ऐसी टेस्टी रेसिपीज़ और देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, एंड बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाली कोई भी टेस्टी रेसिपी की वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू गाइज़।